हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, इसी और माँ वर्क एनर्जी का ये सवाल नंबर 6 लेके आ गए हैं, है ना, 6। तो इससे पहले हमने 5 सवाल कर रखा है, तो पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप जाकर देख लो, है ना, तो ही आप इस वीडियो पे आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का सवाल क्या है? अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट R1 टू आई कैप प्लस 3 जे कैप टू द अनदर पॉइंट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप ड्यूरिंग अ सर्टन फोर्स। फोर्स दिया हुआ है बच्चों 5 न्यूटन आई कैप प्लस 5 न्यूटन जे कैप एक्ट ऑन इट। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को हमने पुश किया, मतलब धक्का दिया, और इसका नोटेशन दिया हुआ था। मान लो जैसे यहां का जो पोजिशन दिया हुआ था, पोजिशन कितना दिया हुआ है पहले 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये दिया हुआ है। मान लो टू आई कैप प्लस 3 जे कैप। मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, और ये जो वेक्टर है इसको बोल देते हैं R1 वेक्टर। भाई जो किसी के भी पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग जनरली पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना है, इसके बारे में बात करता है वो। समझ आ रहा है ये बात? चलिए, तो और इसको पुश करके धक्का देके हम कहां ले गए, मान लो बी पॉइंट पे ले गए, है ना, कहां ले गए, बी पॉइंट पे ले गए। बी पॉइंट की पोजीशन दी गई है, कितनी दी गई है ध्यान से देखो, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कितना दिया हुआ है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना। तो ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। ये मान लो R2 वेक्टर है, ये क्या है, R2 वेक्टर, है ना, 2 मीटर, और ये था 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये कितना था, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ध्यान से देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, तो कितना हो जाएगा ये R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, इतना ही तो चला है वो। तो बच्चों हटा दो, 3 में से 2 गया 1 आई कैप बचेगा, और 2 में से 3 गया तो माइनस जे कैप बचेगा। क्या बचेगा? माइनस जे कैप, है ना, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस जे कैप। तो बच्चों ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, सही है। फोर्स आपको पहले से पता है, फोर्स कितना दिया हुआ है देखो, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, फोर्स है आपका 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। बस आपको फॉर्मूला रख देना है, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F वेक्टर F डॉट S, है ना, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए हमने वेक्टर का फॉर्मूला रख दिया है। अब फोर्स कितना दिया हुआ है देखो, यहां से 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप डॉट, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, आई कैप माइनस जे कैप, है ना। तो आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट आता है करना, बड़ा आसान होता है। तो क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, पता है आपको ना ये बात, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है बच्चों, ये भी 1 होता है, बाकी इसके अलावा सब 0 हो जाते हैं, है ना, सबके सब 0 हो जाते हैं, ये बात आपको आनी चाहिए। चलिए तो ध्यान से देखिए, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप खत्म हो गया। अच्छा, यहां से 5 × - होते कितना आ जाएगा, -5 = 0, कितना जा रहा है ये तो बच्चों, 0 आ जा रहा है, वर्क डन जो किया गया वो 0 है, है ना, किया गया कार्य कितना गया यहां से, 0 जूल, आंसर सही है। चलिए तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।